नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मैं हूं आपका दोस्त आकाश वाजपेयी आज जो आपकी क्लास होने वाली है इस क्लास में संपूर्ण हॉर्टिकल्चर पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है अगर सर इसमें क्वेश्चन लिखा है अच्छे दिख नहीं रहा है तो टेंशन बिल्कुल मत लेना शब्दों को हमारे बातों को बहुत ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी में नोट करते रहना इसमें वही प्रश्न बताएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक हैं इम्पॉर्टेंट हैं और जितने फैक्ट हैं वो सभी इस क्लास में बता देंगे कोशिश करेंगे कि कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज आपको प्राप्त हो जाए तो बस आपको करना क्या है आपको वीडियो को देखना है अपने यार दोस्तों के साथ देखने के बाद इसको शेयर कर देना है ठीक है अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे और अच्छे से इसको देखना ठीक है चलिए बाकी एक और बात जरूरी है एग्रीकल्चर चंडीगढ़ पे हम पढ़ा रहे हैं तो वहां पर फुल कोर्स लेने के लिए आप नंबर पर संपर्क कर सकते हो हमसे ठीक पूरी जानकारी लेने के लिए किसी प्रकार की और आकाश फाइव कूपन कोड अप्लाई करके पाँच परसेंट का डिस्काउंट ले सकते हो ठीक है इस कूपन कोड को आप अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में हम डेली क्विज करवा रहे हैं डेली पचास साठ क्वेश्चन करवा रहे हैं आराम से उसको ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ठीक एग्रीकल्चर क्विज बाई आकाश सर ओके चलो अब देखो बात इसमें लिखी हुई है कि क्लस्टरिंग और झुमका इन मैंगो ड्यू टू मैंगो में जो झुमका हो जाता है जो गुच्छा बन जाता है वो कैसे बन जाता है ठीक है अब देखो यहाँ पर मैंगो की बात करने से पहले थोड़ा बेसिक बात बता देते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है आपको जानकारी होगी ठीक है यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं अब मेरी बात सुनो जब भी फ्रूट्स को डिवाइड करते हैं दो तरीके से डिवाइड करते हैं एक मोनोकॉट्स होते हैं एक डाइकॉट्स होते हैं ठीक बात है मोनोकार्ड्स में देखो इधर लिखते रही ना नहीं लिख अगर स्पीड में हो जाए तो बाद में नोट कर लेना जो मोनोकार्ड्स होते हैं उनमें सर तीन फैमिली आती हैं कौन कौन सी होती है ब्रोमोली होती है म्यूजेसी होती है और एरीकेसी होती है तीन फैमिली होती हैं ब्रोमोलीसी में जो एग्जाम्पल आता है वो आता है पाइन का कौन सा आता है पाइन का आता है ठीक है और आ, जो पाइन होता है उसका जो जो उसकी जो फैमिली होती है क्या होती है ब्रोमोली ऐसी होती है उसमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कितने पचास कितने पाए जाते हैं पचास पाए जाते हैं और पाइन का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो क्या होता है ब्राजील होता है क्या होता है बेटा ब्राजील होता है इतनी बातों को एकदम याद रखना इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि और कौन से होते हैं जिनके अंदर जो मोनोकार्ड्स होते हैं तो म्यूजियसी फैमिली आती है म्यूजिएसी में बनाना आता है ठीक है और बनाना में आ, का ओरिजिन ब्रेस क्या होता है इंडोर रीजन होता है और बनाना के फ्रूट का टाइप क्या होता है बेरी होता है अच्छा पाइनएप्पल के फ्रूट का टाइप क्या होता है एग्रीग्रेड्स ऑफ बेरी होता है ठीक बात है अगर एरी की बात करेंगे तो एरी में डेट पाल्म आता है कोकोनट आता है एरिका नट आता है ये सब आपके एरिकेसी में आते हैं और एरिकेसी में जो कोकोनट होता है उसके अंदर क्रोमोसोम 32 होते हैं कितने होते हैं बेटा बत्तीस होते हैं और डेट पाल में कितने होते हैं छत्तीस होते हैं यानी थर्टी होते हैं ठीक है डेट पाल का टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है तो इसका टाइप ऑफ फ्रूट मर्थोलॉजी के हिसाब से बेरी होता है ठीक है अच्छा इसके अलावा याद रखना कि जितनी फैमिली रहेंगी वो सब डाइकॉट्स रहेंगे ठीक है ब्रोमोली एसी म्यूजिक एसी एरिक सी में जो है वो आपके मोनोकॉट्स हैं चलो भैया अच्छी बात है बाकी इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली हैं जो डाइकॉट्स में बता देते हैं फिर आपके क्रॉप वाले पोर्सल पर आगे बढ़ते हैं चलिए जैसे एक फैमिली है एक्टीनिडी एसी एक्टिनिडीए सी के में जो एग्जाम्पल है वो कीवी फ्रूट का है किसका है कीवी फ्रूट का है अब कीवी फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं कीवी फ्रूट को एक्टिनिडिया डेली कोसा बोलते हैं ठीक है फिफ्टी एट क्रोमोसोम्स होते हैं और चाइना इसका उत्पत्ति स्थान होता है ठीक है कीवी फ्रूट के टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है तो कीवी फ्रूट का जो फल का प्रकार है वो बेरी पाया जाता है अच्छा फिर अनाकार्डियसी आती है इसमें मैंगो है पिस्ता है ठीक है हॉक प्लम है आ, काजू है ये सभी आपके अनाकार्डियसी में आते हैं ठीक है कभी कभार काजू में क्रोमोसोम्स पूछ लेता है तो फोर्टी टू होते हैं ठीक अनोनएसी में कई अनोना आते हैं जैसे अनोना एटीमोया अनोना रेटिकुलाटा ठीक बस ये या, ये याद रखना कि जितने अनोनएसी के होते हैं सब में क्रोमोसोम फोर्टीन होते हैं चौदह क्रोमोसोम्स होते हैं ठीक है चलो करौदा की फैमिली पूछ लेता है कभी कभी तो करौदा की फैमिली एपोकाइनएसी होती है इंपॉर्टेंट है है ना और कभी कभी पूछ लेता है कि भैया जी बताइए कि मैंगोस्टीन की फैमिली क्या है तो क्लूसिएसी होती है क्या होती है क्लूसिएसी होती है ठीक है ये मैंगोस्टीन की फैमिली होती है अच्छा सान्टिफिकम क्या होता है मैंगोस्टीन का गैरसिनिया मैंगोस्टिना होता है ठीक याद रखना बारबडाफ चेरी की फैमिली पूछ लेता है तो मेली पिहेशी होती है बारबडाफ चेरी में सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है और विटामिन सी का फांटिफिकम नेम भी एसिड होता है ठीक ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं गुआबा के बारे में हम बताएंगे ही ठीक है इसके अलावा फैमिली जो पूछता है वो जैक फ्रूट की पूछ लेता है जैक फ्रूट की फैमिली क्या होती है मोरेसी होती है ठीक जैक फ्रूट की क्या होती है मोरेसी होती है इसके अलावा मोरेसी और किसकी होती है तो मलबेरी की होती है तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एकदम पता होनी चाहिए ठीक है कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे कि कभी कभी पूछता है कैरम्बोला की फैमिली क्या है तो ऑगजिली डी ए है ठीक है कैरम्बोला की फैमिली क्या है ओगजिलीडीए सी है कैरम्बोला में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ट्वेंटी फोर होते हैं ओरिजिन प्लस क्या होता है श्रीलंका होता है टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है बेरी होता है ये आपको हर एक फ्रूट का पता होना चाहिए कभी कभार ओलिव के बारे में पूछता है तो ओलिव की फैमिली ओलिए होती है बेर की फैमिली रहमिन ऐसी होती है पोम पोमग्रेनिड की फैमिली प्यून की होती है तो यही आपको एग्जैक्ट याद रखना है चलो अब आपके क्रॉप वाले पोर्सन पर आगे बढ़ते हैं क्रॉप वाले पोर्सन पर जब बढ़ेंगे तो लिखा है क्लस्टरिंग किससे होती है ऑप्शन आप आपके सामने है लो टेम्परेचर पुअर फर्टिलाइजेशन इम्प्रॉपर पॉलीनेशन बोथ बी एंड सी एंड ऑल ऑफ दे तो देखो लो टेम्परेचर से होता है सही बात है पूरा फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन से अच्छे से नहीं हो पाएगा तब भी गुच्छा बन जाएगा ठीक बात मान सकते हैं इम्प्रॉपर पॉलिनेशन पॉलिनेशन अच्छे से नहीं हुआ तो फर्टलाइजेशन अच्छे से नहीं होगा सिंपल सी बात है सर है तो दोनों फिर अगर ए ओ बी होंगे तो फिर सी भी होगा यानी ऑल होगा बिल्कुल सही बात ऑल ऑफ दी अबव है ठीक है लो टेम्परेचर पूरा फर्टिलाइजेशन प्रॉपर पॉलीसन सबसे होता है अब बात देखो यहाँ पर मैंगो की है तो मैंगो को दस मिनट पर खत्म कर लेते हैं ठीक है देखो कम कम समय देंगे जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है मैंगो को हम लोग किंग ऑफ फ्रूट बोलते हैं जानते ही हो नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया बोलते हैं प्राइड ऑफ इंडिया बोलते हैं हिंदुस्तान फ्रूट बोलते हैं ठीक है सिंबल ऑफ लव बोल देते हैं रूट्स में जो लव का सिंबल होता है वो अपना मैंगो ही होता है ठीक है हाँ याद रखना कि मैंगो जो होता है एक ट्रॉपिकल रीजन का होता है कहां का होता है ट्रॉपिकल रीजन का होता है और मैंगो को के अंदर जो क्रोमोसोन्स पाए जाते हैं चालीस पाए जाते हैं ठीक बेसिक क्रमोसोन्स कितने होते हैं दस होते हैं क्योंकि मैंगो टेट्राप्लाइड होता है आप जानते हो अच्छा मैंगो का जो सीड होता है उसके अंदर प्रोटीन कितनी होती है तो 9.5 परसेंट के आसपास होती है कितनी होती है 9.5 परसेंट के आसपास और मैंगो का जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है वो ड्रप होता है ठीक बात है और जो इडबल पर्सन होता है वो मीजोकार्प होता है बहुत अच्छी बात है ठीक है इतना याद रखना एकदम अच्छे से मैंगो के अंदर जो विटामिन ए पाई जाती है विटामिन ए कितनी पाई जाती है अड़तालीस इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है ठीक है फोर और साथ ही साथ मैंगो जो होता है इंडिया में सबसे ज़्यादा अवेलेबल किस टाइम होता है तो मार्च से मिड अगस्त तक तो होता है ठीक है याद रखना एक और बात याद रखना ठीक है अपने एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मैंगो है उसको जो जो इसके अंदर वैरायटी पूछी जाती है वो वैरायटी पूछी जाती है सबसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए वो कौन सी होती है आम्रपली होती है ठीक है अब देखो वैरायटी सोशन खूब बनते हैं मैंगो में है ना तो so, वैरायटी में आपको याद रखना कि मैंगो की जो टैट ऑक्टा प्लट वरायटी होती है कौन सी होती है ऑक्टा प्लाइट वह कौन सी होती है वो होती है बेलाइक ओलंबन कौन सी होती है बेटा बेलाइक ओलंबन होती है ठीक बात है और एक बात याद रखना कि मैंगो की की वैरायटी ऐसी कौन सी है जो साउथ इंडिया में सबसे अच्छी होती है साउथ इंडिया में सबसे अच्छी कौन सी होती है आपकी बागनपल्ली होती है और नॉर्थ इंडिया में दशहरी होती है तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं तो उनको याद रखना चलिए आगे देखते हैं मुझे आपकी फॉलोइंगी अर्ली वरायटी ऑफ मैंगो इन नॉर्थ इंडिया मैंगो ने लिखा है नॉर्थ इंडिया में अर्ली वरायटी कौन सी है ऑप्शन आपके सामने है बॉम्बे ग्रीन सरोली केसर बोथ ए एंड बी और फजली बताओ भाई बॉम्बे ग्रीन सरोली केसर बोथ ए बी एंड फजली तो नॉर्थ इंडिया में बॉम्बे ग्रीन और सरोली दोनों नॉर्थ इंडिया की सबसे फेमस वरायटियाँ है बहुत अच्छी है मतलब ठीक है अच्छा केसर फजली फजली जैसे बिहार में बहुत अच्छे से होती है तो इसको मान सकते थे लेकिन बॉम्बे ग्रीन और सरोली दोनों नॉर्थ इंडिया की हैं अच्छा आफन क्या है डी यानी ए और बी ठीक बात है अब देखो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की वैरायटी याद करा देते हैं साउथ इंडिया की वैरायटी में कौन कौन सी आती है जैसे बागनपल्ली आती है नीलम आती है अल्फा, आ, अल्फांसो भी आती है ठीक बात है और तोतापरी आती है ठीक है भिलाई कोलम्बन आती है है ना ये सभी आपकी नॉर्थ इंडिया में आती है तो हमने आपको ट्रिक से भी याद करवाया था कि देखो जो नीलम थी वो अपने बाग में बैठी हुई थी और भाई बहुत अमीर थी और बाग में बैठ अपने तोते को बादाम खिला रही थी ठीक है और नीलम दिखने में बहुत अच्छी थी एकदम तो स्वर्ण रेखा जैसी ठीक है तो हमने क्या कहा था नीलम नीलम हो गया था बाग में बैठी थी तो बागनपल्ली हो, हो गया था ठीक है अच्छा कहाँ बैठी थी बेंगलोर में तो बेंगलोरा हो गया था साउथ में है ना बेगलोरा हो गया था इसके अलावा हमने क्या कहा था तोते को इंडिया में कौन कौन सी है? दसेरी, दसेरी है, चौसा है लंगड़ा है बॉम्बे ग्रीन है सरोली है ये सभी नॉर्थ इंडिया की वैरायटी होती है ठीक है इंपॉर्टेंट है आगे देखो विच वैरायटी ऑफ लैंग्वेजिस्टेंट टू एंथर के बीच रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी होती है ऑप्शन आपके सामने एडवर्ड है बॉम्बे ग्रीन है फजली है बोथ बी एंड सी है तो एंथ्रक नॉलेज के पास रेसिस्टेंट वैरायटी होती है वो होती है आपकी एडवर्ड कौन सी होती है ए हाँ एडवर्ड होती है अच्छा बॉम्बे ग्रीन क्या होती है अब इनके बारे में बता देते हैं देखो तो रेसिस्टेंट वैरायटी से क्वेश्चन बनता है सबसे पहले याद रखना कि जो मैंगो माल होता है यानी गुच्छा मुच्छा रोग होता है इसके प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी होती है तो गुच्छा मुच्छा रोग के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी होती है आपने तीन सुनी होंगी कौन सी बहादुर ऑलिव और इलायची हमने तुमको तो पाईगा के बताई थी कि बहादुर व इलायची खाओ माल फार्मेशन से छुटकारा पाओ ठीक है छुटकारा पा लो तो बहादुर अलीब इलायची अच्छा फिर हमने कहा था कि मैंगो माल फार्मेशन अगर ज्यादा किस में लगता है तो ग्रीन और चौसा में लगता है तो हमने क्या कहा था बहादुर अलिव इलायची खाओ माल फार्मिंग से छुटकारा पाओ और ग्रीन चौसा अगर खाई इस रोग ने तबाही मचाई तो ग्रीन और चौसा में बहुत ज्यादा लगता है अच्छा कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इस पंजी टिस्सू किसमें ज्यादा लगता है तो ज्यादा किसमें लगता है सर ज्यादा लगता है आपके अल्फांसों में ठीक है और किस में कम लगता है तो अरकान मूल वगैरह में ठीक है जो हाइब्रिड वरायटियाँ है उनमें कम लगता है अच्छा आपको बता अब फिर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो पाउडरी मिल्ट्री होता है उसके बाद रेसिस्टेंट वरायटी कौन सी होती है तो पाउडरी मिल्ट्री के अंदर रेसिस्टेंट वरायटी होती है मैंगो की आ, लाल सिंदूरी यानी रेड सिंधूरी होती है ठीक बात है एक और बात याद रखना कि फजली वरायटी का जो है लेट मिच्यिंग वायटी है बिहार की है बॉम्बे ग्रीन के अंदर सबसे अधिक मात्रा में टी पाया जाता है सॉरी सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है ठीक है विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में बॉम्बे ग्रीन के अंदर पाई जाती है आम की सबसे मीठी वरायटी कौन हो सी होती है चौसा होती है सबसे खट्टी बॉम्बे ग्रीन आम की कौन सी वरायटी ऐसी होती है जो सबसे अधिक एक्सपोर्ट होती है तो अल्फांसो ठीक है आम की कौन सी वरायटी ऐसी है जिसके अंदर टर्पेटाइन फ्लेवर आता है ठीक है तो वो भी याद रखना अपनी जो टर्पेटाइन फ्लेवर के लिए फेमस है है ना तो वो है आपकी लंगड़ा ठीक बात है और ये भी याद रखना कि जो आपकी आम की मैंगो मेंग, की जो वह कौन सी वराइटी है जो आ, लेट कंडीशन में अच्छे सर्वाइव कर जाती है ठीक है तो यहाँ पर लेट कंडीशन में तामुरिया है मनपसंद है नीलम है चौसा है ठीक है यह सभी लेट कंडीशन के लिए अच्छे सर्वाइव कर जाती हैं ठीक हमने कहा था कि तुम्हारी मनपसंद नीलम को चूम लिया उसने पीछे से हाँ तामुरिया मनपसंद नीलम और चौसा मोतिया ये सभी कैसी हैं लेट में चल हैं ठीक है ठीके? चलो तो तबाही साउथ इंडिया की है आगे देखो बनाना फ्रूट कैन बी स्टोर एट थर्टीन डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिनिटी फॉर देयर वीक्स देन वट इज़ द परसेंटेज ऑफ ह्यूमिनिटी रिक्वायर ठीक है कह रहा बना पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनाएगा एक बनाना को थर्टी डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं ठीक तो यहाँ से ऐसा याद रखना फिर लिखा हुआ है ठीक ह्यूमिनिटी फॉर थ्री वीक्स देन वाट इज द परसेंटेज ऑफ ह्यूमिनिटी कितनी ह्यूमिनिटी उसको रिक्वायर होती है भैया आपके सामने ऑप्शन है फोर्टी से सिक्सटी परसेंट एट्टी फाइव से नाइन्टी फाइव परसेंट ठीक है अभी अभी आपको ये भी बताएंगे कि, कि किस किस क्रॉप में कितना कितना याद रखना है, है ना ये भी इंपॉर्टेंट है चलो बताओ भाई कितने परसेंट ह्यूनिटी होती है तो इसकी ह्यूनिटी होती है 85 से 95 फाइव परसेंट पचासी से पंचानवे परसेंट बनाना की बात है तो बनाना का साइंटिफिक नेम क्या होता है मूसा पैराडेसिया का होता है बनाना की फैमिली क्या होती है म्यूजी होती है बनाना में क्रोम कितने होते हैं बाईस तैतीस चवालीस होते हैं थर्टी वाले हम लोग मेनली यूज़ करते हैं ट्रिपलाइट बनाना होता है ठीक है बनाना की बात करेंगे तो फिर कालपात्रों का मतलब क्या होता है कालपात्रों का मतलब होता है प्लांट ऑफ वर्चुअल ठीक है वर्चुअल प्लांट कौन सा होता है कालपात्र होता है ठीक अब प्लांटेन का मतलब होता है कुकिंग बनाना ठीक है क्या होता है कुकिंग बनाना बनाने खाने वाला ठीक है खाने मतलब पका के खाने वाला अच्छा अब कभी कभी इसके ओरिजिन प्लेस में कन्फ्यूजन आता है तो फिर दो तरीके के बनाना पर सुना होगा एक मोशा एकुमिनाटा होता है एक मोशा बलविशियाना होता है तो एकुमिनाटा जो होता है उसका ओरिजिन पर मलेशिया होता है और बलविशियाना का बर्मा होता है ठीक है ये एक ट्रॉपिकल रीजन की क्रॉप है मोनोकार्ड्स होती है टाइप ऑफ फ्रूट बेरी होता है ठीक है ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए अच्छा साथ ही साथ ये भी याद रखना कि जो इसके अंदर जो ये बनाना होता है इसको पोटेशियम का अच्छा खासा सोर्स होता है पोटेशियम काफ़ी अच्छी इसके अंदर होती है लगभग फोर मिलीग्राम के आसपास चिली इंजरी 12 से कम टेम्परेचर में चिली इंजरी होने का खतरा रहता है इसलिए इसको नहीं रखते हैं ठीक है ठीके? और ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आस माना जाता है ठीक और पूरे इंडिया में सबसे अधिक बनाना का प्रोडक्शन होता है ठीक है एरिया नहीं प्रोडक्शन सफ्सदी बनाना ही होता है अच्छा और इंडिया में कहाँ होता है तमिलनाडु में होता है महाराष्ट्र गुजरात में होता है ठीक है बात याद रखना इसके अलावा और एक बात याद रखना कि बनाना में ए, क्या होते हैं पारथनों पाई जाती है ठीक है वेजिटेटी पारथनों पाई जाती है हमने मतलब बताया था वेजिटेटिव पार्थनों का क्या होता है ठीक है ये बात हमने अपने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताई थी हमने देख लेना अच्छा बनाना की कौन सी वरायटी ऐसी है जो टिश्यू कल्चर के लिए बहुत अच्छी होती है तो ग्रैंड नैन है ग्रैंड नै एक ऐसी वैरायटी बनाना की जो टिश्यू कल्चर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है ठीक बात है बनाना में जो स्कोरिंग टेक्निक थी वो किसने डेवलप की थी तो स्कोरिंग टेक्निक को सिमंड एंड सेफर्ड ने 1955 में डेवलप किया था सिमंड्स और सेफर्ड ने ठीक है अच्छा इसके अलावा ये भी याद रखना कि एक प्लांटिंग का मेथड है कौन सा व्यूरो बोर बी यू आर आर ओ ठीक है जो वर्रो प्लांटिंग का मेथड है वो मेनली गुजरात और महाराष्ट्र में किया जाता है तो एफ ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ें पूछी जा सकती हैं ठीक है याद रखना अच्छा इसके अलावा एक और कुछ पॉइंट है जैसे कि जब बनाना को हम लोग ड्रिप इरीगेशन करते हैं तो ड्रिप इरीगेशन से लगभग बनाना में ट्वेंटी थ्री से थर्टी टू परसेंट पानी बच जाता है बनाना के कैसे बता रहे हैं ड्रिप इरीगेशन थे ट्वेंटी थ्री से थर्टी टू ठीक इतना पानी बच जाता है अच्छा बाकी बनाना हैवी फीडर होता है पोटेशियम का ये भी क्वेश्चन आ सकता है और बनाना की रसिस्टेंट वैरायटी पूछी जाती है तो बसरई डॉर्फ पूवन ये वैरायटी कैसी है ये पनामा के बाद रसिस्टेंट वैरायटी होती है कैसे याद रखोगे बसरई डॉर्फ पूवन दो नामा नहीं लगता इनमें पनामा आगे बढ़ो ठीक है अच्छा इसके अलावा बनाना के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं शुगर परसेंटेज तो बनाना में जो शुगर परसेंटेज होता है ट्वेंटी सेवन परसेंट के आसपास होता है ठीक है अच्छा इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन बन जाते हैं डिसक्रिंग क्या होता है तो जो सरप अनवांटेड सकर्स होते हैं ठीक है ठीके? उनको रिमूव करना क्या कहलाता है डिसकनिंग कहलाता है सर डीनेल्बिंग क्या होता है तो जो मेल पार्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो मेल पार्ट होता है उसको रिमूव कर देना क्या कहलाता है डीनेल्बिंग कहलाता है ये हम पूछा गया है ठीक है कभी कबार क्वेश्चन आ जाता है कि सर आपका प्रॉपिंग क्या होता है तो जब बनाना के में बनाना की बंच पूरी आ जाती है तो बंच का वजन होगा सर जी वो गिर जाएगा तो गिरे ना तो उसको बंच को पूरे प्लांट को गिरने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं थुमरी उमरी लगा देते हैं मतलब कोई सपोर्ट लगा देते हैं उसी को क्या बोलते हैं उसी को हम लोग बोल देते हैं प्रॉपिंग ठीक बात है और बनाना में जो पूरी बंज होती है उस बंज को क्या करते हैं कवर कर देते हैं पॉलीथीन वगैरह से ठीक है ये टाट के बोरे से कवर कर देते हैं ताकि वो सूर्य की रोशनी उस पर ना पड़े और उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं उसे रैपिंग बोल देते हैं या फिर उसे बंज कवर बोल देते हैं ये बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस है ठीक एक होता है मेटोकिंग तो जो बनाना का जो सकर्स होते हैं नीचे के सकर्स लेने के लिए पुराने जो सीडो स्टेम होता है उसको काट देते हैं ठीक और काटना ही क्या कहलाता है मेटोकिंग कहलाता है तो ये बड़ी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस हैं पूछने वैसे बनते हैं ठीक बनाना की वरायटी से क्वेश्चन में याद रखना ग्रैंड डैन उसके लिए अच्छी है ठीक है बाकी चिप्स बनाने के लिए कौन सी है चिप्स बनाने के लिए आपकी आ, बहुत फेमस वैरायटी है ठीक और हाँ इसके अलावा जैसे अगर आपसे पूछे कि निंड्रान चिप्स बनाने के लिए अच्छी है ठीक बात है लेकिन कुछ ऐसी हैं जो डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, जैसे पूवन है ठीक अच्छा पर पर है वो कौन सी होती है तो नेंड्रॉन एक्सपोर्ट परपज पर पर के लिए काफी यूज की जाती है ठीक है इसके अलावा एक वरायटी है जो डिजर्ट वरायटी काफी फेमस है कि बड़ी डिजर्ट कंडीशन में अच्छे से ग्रो कर जाती है कौन सी है वह कुनन कौन सी है के यू एन एन कुनन ठीक है बस इतनी वरायटियों से क्वेश्चन बन सकते हैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है लेडी फिंगर किसकी वैरायटी है तो बनाना की वैरायटी है ठीक है ये लेडी फिंगर बंची टॉप बारस के बाद रेसिस्टेंट भी होती है ठीक है ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है अच्छा बने बाकी बनाने के पॉइंट में कोई बनेगा अच्छा क्वेश्चन और कोई नहीं बनेगा फोटम वन बन, बनाने की वरायटी है ठीक है ये तो फायदा ही बन सकता आ, ये भी ठीक है ये नहीं बनेगा चलो वो देख लेते हैं जैसे एक ब्लू डिजीज होता है बनाना का जो कलर होता है हल्का सा ब्लू हो जाता है देखो बंद हो गया ये भाई साहब <laughs> देख लिया ना देख लिया ना <laughs> कोई बात नहीं देखो ब्लू डिजीज जो होता है वो मैग्नीशियम डिफिशंसी के प्रति होता है ठीक है कैसा होता है मैग्नीशियम डिफिशियंसी से होता है व्हाइट लीव जो होता है वो अनबैलेंस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है ठीक है जब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अनबैलेंस देते हैं तो वाइट लीव हो जाता है ठीक अच्छा इसके अलावा एक याद रखना कि पोटेशियम की डिफिशियंसी से क्या होता है तो जो येलो ऑरेंज क्लोरोसिस होती है वो पोटेशियम की डिफिशंसी से हो जाती है ठीक है लीव बेंडिंग हो जाती है आपकी लीफ बैंड हो जाएगी है ना याद रखना कि जो बंचीटॉप है जो सबसे पहले रिपोर्ट फिजी में किया गया था वन में कब किया गया था 1981 में किया देखो जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट है जितना पॉइंट याद आ रहा है उतना पॉइंट हम बता देंगे ठीक है ठीक सामने नहीं देखते हैं ताकि पॉइंट फटाफट याद आते रहे ठीक मोका डिजीज किससे रिलेटेड है बनाना से रिलेटेड है कैसा होता है बैक्टीरियल बिल्ट होता है ठीक है पनामा डिजीज बनाना से रिलेटेड है किससे होता है सर तो बनाना जो बनावा होता है वो होता है फ्यूजेरियम ऑक्सिस ठीक है क्यूबेन से होता है किससे होता है फ्यूजेरियम ऑक्सिस फोरम से होता है ठीक है बस चलो भाई आगे बढ़ो बनाना जी प्रोपोजेटेड बाई स्वर्ट सकर वाट इज द वेट ऑफ स्वाट सकर जनरली यूज जनरली हम लोग पांच सौ से साढ़े सात सौ ग्राम का स्वाट सकर यूज करते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी ठीक है हाँ बिल्कुल सही बात है लिखा किन्नो कैन बी ग्रोन इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग बाय यूजिंग ट्रायल स्ट्रेस तो ये रूट स्टॉक यूज करते हैं बस आगे बढ़ो ठीक है यहां पर क्वेश्चन देखो लिखा किंग मंडारिन एंड बिलो लीफ मंडारिन बाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन पंजाब वॉज डेवलप्ड बाई जो भैया जो किंग है और आ, किंग मंडारिन और बिलो लीफ के क्रास से क्या डेवलप किया गया था नो डेवलप किया गया था इंडिया कब 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 डेवलप किया गया था नाइनटीन थर्टी फाइव में डेवलप किया गया था इंडिया में कहां आया था पंजाब में आया था और यही गुजरा कब आया था तो भैया जी इंडिया में एच बी फ्रॉफ्ट इंडिया डेवलप डेवलप किसने किया था डेवलप किया था एच बी फ्रॉफ्ट ने ठीक है नाइनटीन थर्टी फाइव में इंडिया में आया कब था नाइनटीन फिफ्टी नाइन में आया था ठीक है पंजाब में आया था ये बात इंपॉर्टेंट है अब देखो किन्नो में सिट्रस वाला पॉइंट थोड़े कवर कर करें देखो सिट्रस से क्वेश्चन जो बनेंगे इनके साइंटिफिक नेम से भी बनते हैं साइंटिफिक ने पढ़ के जाना ठीक बाकी देखो जो सिट्रस है एक आप कभी क्या पूछते सिट्रस वर्ल्ड कैसा है तो सिट्रस एक ग्रीक भाषा का वर्ड है ठीक अच्छा। है अच्छा इसके अलावा याद रखना कि सिट्री कल्चर में जो जितने सिट्रस होते हैं उनकी स्टडी की जाती है ठीक है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है मैंगो के बाद मैंगो मतलब मैंगो बनाना उसके बाद सिट्रस ही आता है ठीक है इसीलिए हमने आप सिट्रस रखा है सबसे सिट्रस आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में होता है ठीक है इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका जो लाइम होता है बड़ा वाला नींबू होता है लाइम ठीक है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है ठीक है और जो लेमन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है इटली में होता है ठीक है ये बात इंपॉर्टेंट है अच्छा यू भी इसका काफ़ी अच्छा खासा प्रोडक्शन करता है ठीक इंपॉर्टेंट बात है याद रखना कि जो सिट्रस होता है ये कैसा होता है पॉली होता है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता क्या है जो जो टफ क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है वो हम बता दे रहे हैं मोनम जो इसकी स्पेसीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं तो सिट्रस की जो मोनम बिरानिक स्पेसीज होती हैं उनमें आता है कौन सा पुबेलो सुना होगा आपने कौन सा आता है पोमेलो आता है पोमेलो कैसा है और सिट्रॉन है. आता है और सिट्रोन होता है ये सभी कैसे है. अगर बात करेंगे पोलिक की तो बाकी इसके अलावा जो प्रजाती होती हैं पोलिम्ब्रॉनिक होती हैं ठीक है अच्छा आ, कभी कबार पूछ लेता है कि ऑर्नामेंटल सिट्रस कौन सी है तो ऑर्नामेंटल सिट्रस स्पीसीज है हजारी कौन सी है हजारा है एच ए जेड ए आर हजारा ठीक है इसे बोलो सिट्रस मधुरेंसिस बोल देते हैं सिट्रस मधुरेंसिस कैसा है यह हज़ारा है यह अपना कैसा है ऑर्नामेंटल टाइप का है बाकी ज़्यादातर सिट्रस ग्रुप में जो टीस पाया जाता है वो आठ से बारह के आसपास पाया जाता है एट्टी एट से ट्वेल्व परसेंट के आसपास पाया जाता है ठीक है और एक बात याद रखना कि जो टाइप ऑफ फ्लावर होते हैं परफेक्ट होते हैं इम भी यहाँ पाया दोनों तरीके के फ्लावर पाए जाते हैं ठीक है जो इसका टाइप ऑफ फ्रूट होता है वो एस्पेडियम होता है ठीक है और जो इसका नेशनल रिसर्च सेंटर है ठीक है जो नेशनल रिसर्च सेंटर है उसकी स्थापना कब हुई थी मतलब नेशनल को सेंट्रल में कन्वर्ट कब किया गया था ठीक है वो 2014 में किया गया था ये क्वेश्चन पूछा गया ठीक है ये भी याद रखना कि मोस्ट प्रोमिसिंग रूट स्टाक एफीड लाइन में कौन सा है तो गजनी अम्मा है कौन सा है गजनी अम्मा भाई साहब गजनी की अम्मा है ना है ना ही नहीं अच्छा चलो आगे देखो कभी कभार एफिड लाइन की वैरायटी पूछ लेता है तो एफिड लाइन की जो वैरायटीयां हैं वो कौन सी है प्रमाणनी है विक्रम है चक्रधर है ठीक है साई सरवती है और बालाजी है टेक प्रमाणनी विक्रम चक्रधर साई सरवती बालाजी ये एसिड लाइन की वैरायटी है ये भी पूछ सकता है कभी कभी ठीक है बाकी क्रॉस प्रोटेक्शन टेक्निक जो किस में यूज की जाती है तो एसिड लाइन में यूज की जाती है बस इतने पॉइंट याद रखना ये इंपॉर्टेंट है बाकी चीज को अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है लास्ट मिनट में इतने पॉइंट याद रखना चलो लिखा है कार्पिन ऑप्टेंट फ्रॉम पपाया इज यूटिलाइज एज ए डायरिक हार्ट स्टिमुलेंट्स ठीक है ये थोड़ा लिखने में वो हो गया ठीक है अच्छा एक अच्छा किस में किस किस लिए यूज होता है डायरेक्टिक में हार्ट स्टिमुलेंट्स में दोनों में ठीक है बीपी में किस में यूज होता है तो ये क्वेश्चन तो वैसे अच्छा नहीं है लेकिन यहाँ पपाया डालने के लिए हमने क्वेश्चन बता दिया ठीक है इसका आंसर तो हो जाएगा आपका डायरेक्टिक में और हार्ट स्टिमुलेंट्स दोनों में होता है ठीक है बढ़िया क्वेश्चन इसे पपाया शुरुआत करते हैं हाँ रेट ऑफ गायोडायोसियस पपाया गायोडायोसियस की जो गायोडायोसियस पपाया होता है उसकी सीड रेट कितनी होती है ठीक वो सीड रेट होती है इसमें गायनोडायोसियस की होती है ढाई सौ से तीन सौ ग्राम ठीक है ये ऑप्शन सही होगा बिल्कुल सही बात है अब बात पपाया की है देखो एक और बात हम पीपीटी में डाल के नहीं लाए हैं ठीक है इसको इमेज फॉर्म में लेके आए हैं ठीक अब देखो भाई समय कम रहता है है ना तो इसीलिए ये आपको रिवीजन करवा रहे हैं इसलिए रिवीजन है कोई बेसिक क्लास नहीं है रिवीजन करवा रहे हैं रिवीजन अच्छे से कर लो ठीक है देखो अभी ऑनलाइन क्लास भी होती है ऑफलाइन क्लास भी होती है ठीक है और हर तरीके से वहाँ पर चीजें करवाई जाती हैं हम भी करवा करवा रहे हैं इस समय यूट्यूब में भी क्लास आप देख रहे हो लगातार हो रही हैं अब आपको प्रॉमिस कर दिया तो तुमने कहा बिल्कुल सौ परसेंट उसमें देंगे तो इसलिए थोड़ा सा इसको अप्रिसिएट करना बोर होकर क्लास नहीं देखी जा सकती हम आपको बोर नहीं होने देंगे पूरी हॉर्टिकल्चर में लेकिन फिर उसके लिए आपको फिर क्लास लंबी करनी पड़ेगी लंबी कर नहीं सकते क्योंकि अभी आपका एग्जाम होने वाला है ठीक है तो इसको अच्छे से शेयर वेयर करना और थोड़ा अप्रिसिएशन ग्रुप में कमेंट्स ग्रुप में आपके अप्रिसिएशन दिखते रहे ठीक है चलो सीड रेट ऑफ़ गायोसिस कितनी है ढाई सौ ग्राम है सर डायोसिस कितनी होती है चार से पाँच ग्राम होती है ठीक बात है बात पपाया की है तो साइंटिफिक नेम क्या होता है कैरिका पपाया होता है फैमिली क्या होती है कैरी कैसी होती है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं अठारह होते हैं ठीक है थीके? इतनी तो आपको पता ही है अच्छा बाकी याद रखना कि जो पपाया होता है इसके जो ओरजी प्लस होता है वो कहाँ होता है मैक्सिको होता है कैसा फ्रूट है क्लाइमेटर फ्रूट है ठीक है अच्छा अब एक बात बताओ इसमें जो पपाया में एक वैरायटी होती है कौन सी सर इसकी वैरायटी है सी ओ फाइव इसके अंदर पपेन बहुत अधिक पाई जाती है तो पपेन बहुत अधिक पाई जाती है तो पपेन में प्रोटीन कितनी होती है सेवेंटी टू पॉइंट फाइव होती है कितनी होती है सेवेंटी टू पॉइंट फाइव या सेवेंटी टू पॉइंट थ्री ठीक बात है अच्छा एक और बात याद रखना जो पपाया होता है ठीक है इसकी दो वरायटियाँ हैं डायोसिस गायोडायोसिस डायोसिस में कौन कौन सी आती हैं पूसा जॉइंट आती है नन्ना आती है ठीक है सी ओ फाइव आती है ये सभी किस में आती हैं डायोसिस में आती हैं गायोडायोसिस में कौन सी आती हैं इसमें आपकी सूर्या आती है ठीक है ताइवान आती है थाईलैंड आती है है ना हमने आपको ट्रिक्स बताया था कि मेरा दोस्त था सूर्या कहाँ गया था थाईलैंड गया था अकेला नहीं गया किसके साथ गया था अपनी हनी के साथ गया है हनी के साथ गया और भाई साहब सन के राइज होने तक खूब मज़े लिए उसने अकेले अकेले बाद में हनी को पता लग गया ये वाला मज़े ले क्या है इसको कहाँ भेज दिया जो है ताइवान भेज दिया तो कुरघ हनी ड्यू थी पूसा सूर्या थी ठीक है सी ओ थ्री थी ठीक इसके अलावा मजे लिए थे तो पूसा मजेस्टिक थी सन के राइज़ होने तो सनराइज सोलो थी ऐसे सब आपको याद करा दिए थे ठीक है ये आपकी गाय वैरायटी थी पूजा नन्ना वैरायटी कैसी थी ये आपकी म्यूटेशन से डेवलप की गई थी ठीक है ये कैसी वैरायटी है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए अच्छी है सर हाई डेंसिटी प्लानिटिंग में कितनी दूरी पर लगाते हैं वन पॉइंट टू फाइव इंटू वन पॉइंट टू फाइव पर लगाते हैं सर आम्रपाली वैरायटी जो मैंगो की उसको कितने लगाते हैं उसको टू पॉइंट फाइव इंटू टू पॉइंट फाइव पर लगाते हैं आम्रपाली में कितने प्लांट लगते हैं मैंगो की वैरायटी में सोलह सौ प्लांट लगते हैं पूसा नन्ना में कितने प्लांट लगते हैं पपाया की वैरायटी में 6400 सौ प्लांट लगते हैं ये ऐसे पॉइंट को दिमाग में रखना ठीक है ताकि आपके क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना जाए है ना चलो आगे देखो भगवा पीनुका गेटम वैरायटी दैट इज ब्राइट रेड कलर पॉपुलर इन महाराष्ट्र आल्सो कार्ड भगवा को और क्या बोलते हैं सिंधूरी मस्तानी जय महाराष्ट्र बोथ एंड ऑल ऑफ देम तो भगवा को हम लोग बोलते हैं सिंधूरी बोलते हैं मस्तानी बोलते हैं जय महाराष्ट्र तीनों को बोल देते हैं ठीक जय महाराष्ट्र भैया हाँ तो तीनों को बोल देते हैं अच्छा अब हम एक बात बताओ अब बात है पीनुका गैनेटम यानी कि आपके अनार से तो अनार का सांठवी नेम क्या होता है पीनका गैनटम होता है अनार की फैमिली क्या होती है पीनी कैसी होती है ठीक है अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सर जो अनार की वैरायटी है यहाँ से हमको याद करवा दीजिए तो याद कराने के लिए पूरा डिटेल में ना जाओ अनार में पुरुपेशन किससे करते हैं हार्डवुड कटिंग से करते हैं ठीक है कभी आपको अनार की वैरायटी याद दिखाएंगे टेंशन ना लो अब देखो अनार की बैटरी से भगवा किसकी वैरायटी है अनार की है ठीक है क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है इसके अलावा अमली दाना किसकी है अनार की वैरायटी है ठीक है और कौन सी बैटरी पूछी जाती है अनार की कंधारी किसकी, किसकी है अनार की है ज्योति किसकी है अनार की है ये सभी अनार की वरायटी है ठीक है ज्योति नंबर है अनार चलो अच्छा इसके अलावा कुछ अनार से क्वेश्चन बनते हैं हार्डवुड कटिंग से बनते हैं हार्ड टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है बेलोस्टा होता है ठीक है बैलोस्टाज का टाइप ऑफ फ्रूट होता है ठीक इडबल पोर्सन क्या होता है तो जूसी सीड कोट जूसी सीड कोट हम लोग खाते हैं अनार में ठीक है बस इतने पॉइंट अनार के बारे में पूछे जा सकते हैं याद रखना चलो बच्चे आप फॉलोइंग फॉलोएंगे सीडलेस वरायटी ऑफ गोबा इनमें से कौन सी गोबा की सीडलेस वराइटी है हफसी बेहद कोकरण ललित कोही सफेद ऑल ऑफ औला बताओ भाई फटाफट से आंसर दे दिया करो हमें ताकि हमें फटाफट से दिखता रहे कि दो चार बच्चे देख रहे हैं ठीक है ठीक है लेकिन तुम लोग न हो हैं लेकिन तुम लोग भाग जाते हो बोर हो जाते हो भाई दिक्कत तो यह है है चलो इसका आंसर क्या है इसका आंसर बी है बेहद कोकोनट है अब देखो बात है गुआ की गोवा का साइंटिफिक नेम क्या होता है सी डी डी होता है गोवा की फैमिली के मेरे साथ बोला करो ना नालायकों मेरे साथ बोला करो हाँ फैमिली क्या होती है ठीक आपकी मार्टेसी होती है क्रोमोसोम्स कितने होते हैं बाईस क्रोमोसोम्स होते हैं गवाबा का जो ओरिजिन प्लेस क्या होता है अमेरिका होता है पेरू होता है अच्छा गुआबा जो होता है इसमें तीन बाहर आती हैं अम्बे बाहर आती है मृग बाहर आती है और हस्त बाहर आती है ठीक है अम्बे बाहर कब आती है फरवरी मार्च में ठीक है फरवरी मार्च में आती है ठीक बात है अंबे फार्म में आई हाँ अच्छा और जो मृग बहार होती कब आती है जून जुलाई में आती है और हस्त हस्तबहार कब आती है अक्टूबर नवंबर में आती है इसे पाँच पाँच महीने जोड़ दोगे हार्वेस्टिंग टाइम हो जाएगा याद रखना चलो बाकी सबसे अच्छी बाहर कौन सी होती है मृग बाहर होती है गुआब में कौन सी विटामिन ज़्यादा पा पाई जाती है विटामिन सी पाई जाती है ठीक है बहुत अधिक विटामिन सी पाई जाती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है अच्छा अब देखो वैरायटी में कौन सी हफ्सी वैरायटी है बेहद का है ललित है कोहिर सफ़ेद है ललित जेली बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है ठीक है टीएसएस की बात करेंगे तो चित्तीदार और श्वेता इनके अंदर टी एस ज़्यादा पाया जाता है ठीक बड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है ठीक है वैसे सरदार के अंदर भी टी एस ज़्यादा पाया जाता है ये भी सही है अच्छा सरदार को और क्या बोलते हैं एल उनचास बोलते हैं ठीक है वैरायटी और कौन सी है श्वेता है एल उनचास है सरदार है है ना अलाहाबाद सफ़ेदा है कोहिर सफ़ेदा है ये सभी गोवा की वैरायटी होती है ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से याद रखना आगे बढ़ो टार्ट्रिक एफिट इज प्रजेंट इन ग्रेप फ्रूट देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूनिवर्सल डिफिसिट इन ग्रेप ग्रेप में यूनिवर्सल डिफिसिट जो है कौन सा इनमें से न्यूट्रेंट होता है बताओ भाई जिंक मैग्नीशियम मयुडीनियम आयरन ए एंड बी बताओ देखो क्वेश्चन सब अच्छे हैं ठीक तुम अगर नलाइकी देख के पढ़ लो ठीक है तो अच्छा रहे हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा मैग्नीशियम होता है सही बात है अब देखो बात ग्रेप की है फ्रेंड क्या होता है ब्रिटिश विनफेरा होता है टाइप ऑफ फ्रूट क्या है बेरी होता है क्लाइमेट के हिसाब से कौन सा फ्रूट है सब ट्रॉपिकल फ्रूट है ठीक है क्रोमोसोम कितने होते हैं थर्टी एट होते हैं कहीं कहीं चालीस पड़े होंगे तो सर ग्रेप दो तरीके का होता है एक यूवेटस होता है एक मस्कोडाइन तो होता है ठीक तो यूवेटस होता है उसके अंदर कितने होते हैं उसके थर्टी एट होते हैं ब्रिटिश बेनीफेरा बोलते हैं और जो मस्कोडाइन होता है उसके अंदर कितने होते हैं चालीस होते हैं क्या बोलते हैं ब्रिटिश रोटनडीफोलिया बोलते हैं ठीक है याद रखना अच्छा ओरिजिन कैसपेरियन सागर पूरा ओरजिन है इसका डेसिडियस क्लम्बर होता है ठीक है और याद रखना कि ये जो ग्रेप है ये इसकी जो वाइन बनती है उस वाइन की स्टडी को क्या बोलते हैं साइंस ऑफ वाइन मेकिंग और ओइनोलॉजी बोलते हैं इनोलॉजी बोल देते हैं ठीक है ठीके? अच्छा सबसे ओल्डेस्ट फ्रूट क्रॉप है ग्रोन बाई मेन मेन के द्वारा जो ओल्डेस्ट फ्रूट क्रॉप है इसको उगाया गया था अच्छा टेम्परेचर रेंज कितनी होती है अठारह से इक्कीस डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है ठीक है इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ याद रखना कि जो ग्रेप कल्टिवेशन होता है महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से होता है ठीक है और कभी कभार ग्रेप में पूछा जाता है कि सर जो प्रूनिंग है ठीक है वो ग्रेप पूछी जाती है तो बोर सिस्टम अपनाते हैं ट्रेनिंग में जो है बोर सिस्टम अपनाते हैं ठीक है ट्रेनिंग में बोर सिस्टम या मंडप बोल देते हैं उसे ठीक है हाँ हालांकि बोर को और उसमें थोड़ा सा हल्का सा अंतर है ठीक है तो एक बात रखना बोर जो है एक तरीके से एडवांस सिस्टम है किसका ठीक है इसी के एडवांस करके हम हेक्सागोनल बना देते हैं ठीक है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि ओवरहेड सिस्टम किसे बोलते हैं याद रखना तो मंडप या बोर सिस्टम बोलते देते हैं ठीक है ठीके? एक परगोला होता है तो परगोला भी लगभग वैसा ही होता है पर थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है यानी बोर ही पूछा जाता है बोर याद रखना अच्छा मेनली कौन सा टाटरी का फीड होता है इसके अंदर शुगर कौन सी होती है ग्लूकोज शुगर होती है ठीक है ग्लूकोज पाया जाता है बाकी सब में फ्लोक्टोज पाया जाता है अच्छा इन फ्लोरोसेंस कौन सा होता है पेनिकल होता है ग्रेप के अंदर ठीक है और पार्टिनोकॉर्फी कौन सी जाती है स्टेनोस प्रमोकॉपी पाई जाती है स्टेनोस प्रमोकॉफी क्या होती है मेल मिला फीमेल मिला सब तो कुछ सही से फर्टिलाइजेशन हुआ पाइलेशन हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन लास्ट में क्या हुआ एबॉसन हो गया जब एबॉसन हो गया तो बच्चा मतलब कि सीड बनेगा ही नहीं जब सीडी बनेगा नहीं तो मतलब सीडलेस फ्रूट होगा ठीक है तो सीधी सी बात है सीडलेस फ्रूट को डेवलप करना क्या कहलाता है पार्सनोकार्पी कहलाता है एक तरीके से ठीक है तो मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन तो क्या हो जाएगा पार्सनोकॉपी हो जाएगा तो स्टेनस प्रोमोकारपी का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन होगा लेकिन एबोसन हो जाएगा ठीक है चलो ये मेनली इसमें ब्लैक करियथ में ब्लैक मुनका में सुल्तानिया में इन सब में देखी जाती है ठीक है डिबल पोर्सन पेरी का प्लेसंटा होता है ठीक है याद रखना और जो इसकी वैरायटी है वैरायटी से कभी कभार क्वेश्चन बनता है कि सोमा की वैरायटी है इसी की वैरायटी है हंस जो है वाइट वाइन बनाने के लिए अच्छी वैरायटी होती है ठीक है नवरंग की इसकी वरायटी है ग्रेव की वैरायटी होती है वैरायटी की ट्रिक हम डाल देखो वैरायटी की ट्रिक नहीं बता रहे क्योंकि इसकी ट्रिक हम सब डाल चुके हैं जाके नीचे देख लेना ठीक है चलो लेकिन विच आप दॉलोइंग डीले राइपेनिंग ठीक है जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ टोमेटो डेवलप्ड थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी इन 1994 बाय केलगिन कंपनी कौन सी देखो देखो सब जानकारी दे दी हमने कि भैया उन्नीस सौ में टमाटर की बायोटेक से डेवलप की गई वैरायटी कौन सी थी कौन सी थी भैया ऑप्शन देखो फ्लेवर सेवर पार्कर रोमा फल एक बी एंड सी तो जो डेवलप की गई थी वो कौन सी थी फ्लेवर से यानी डी ऑप्शन सही है अब देखो बाकी लिखा हुआ है फ्लेवर से डेवलप किसने की कैलगिन कंपनी ने की कब की नाइनटीन में की देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है क्या कॉन्सेप्ट है सर देखो तुम जब टमाटर लेने गए हो गए टमाटर जल्दी खराब हो जाता है अब भैया हमें टमाटर खराब नहीं चाहिए ठीक तो हम लोग क्या करते हैं हम लोगों ने कुछ नहीं किया है भाई हैं कैलगिन कंपनी ने क्या किया टमाटर की जो ऊपर की लेयर थी जो किससे बनती है आप सभी जानते हो कि सलवाल बनी होती है ठीक है कैल्शियम मैग्नीशियम और पैक्टेट से तो उन्होंने कहा कि सर ये जो अगर हम इस सलवाल को ऊपर की लेयर को मेम्रीन को और डिजॉल्व भी ना होने दें तो टमाटर ख़राब नहीं होगा कि फिर डिजॉल्व कैसे नहीं होगा कि डिजॉल्व ऐसा नहीं होगा कि ऊपर की सलवाल भाई जो कम्पेक्टनेस आती है वो आती है पैक्टिन के कारण जो सोलिडिफाइंग एजेंट है पैक्टिन कैसा सोलिडिफाइंग एजेंट है कम्पैक्टनेस कैसे आती है प्रैक्टीन से आती है और मैं अगर इस प्रैक्टिन को ख़त्म ही ना होने दूँ तो भाई साहब टमाटर ख़राब नहीं होगा तो उन्होंने देखा कि प्रैक्टीन बनी किसकी होती है जब देखा भैया प्रैक्टीन किसकी बनी होती है पता लगा सर ये किसकी बनी होती है ये बनी होती है आपके न, किसके गैलेक्टोज की किसकी उन्होंने होती है गलेक्टोज की तो उन्होंने उसमें एक अन डाल दिया क्या नाम हो गया पॉलीगेलेक्टोज यूरानिज क्या बना दिया पॉलीगलेक्टोज यूरानिज और उसी को उसमें इंट्रोड्यूस करा दिया कराने के बाद केलगिन भाई साहब होना बंद हो गया बंद हो गया तो भाई साहब डबल बैराटी हो गई अब हमारा टमाटर खराब ही नहीं होता है ठीक है तो गैलेक्टोज होता है सही बोल रहे हैं तुमको याद पॉलिकलेक्टोज एक बार तो एंजाइम देख लेंगे ठीक है फिर तुमको कमेंट बता देंगे अगर कोई गलत होगा तो ठीक फिर इस तरीके डेवलप किया गया था फ्लेवर हमारे इंपॉर्टेंट है हाँ बात टमाटर की है तो बात कर ही लेते हैं टमाटर की बात है फांटीवी क्या होता है लाइक ओपर से होता है फैमिली क्या होती है फैमिली टमाटर की क्या होती है सोलेनेसी होती है क्रोमोसोम कितने होते हैं ट्वेंटी फोर होते हैं ठीक है टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है बेरी होता है ठीक टमाटर के बारे में याद रखना एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है ठीक है इसके अलावा टमाटर के बारे में एक और पॉइंट याद रखना कि जो टमाटर होता है कि भैया उसके जो फ्लावर के ग्रुप को क्या बोलते हैं ट्रस बोलते हैं क्या बोलते हैं ट्रस बोल देते हैं ठीक है और टमाटर में जो डेवलप किया गया था पार्थनोकॉपी पाई जा पाई जाती है वो पार्थनो काफी पाई जाती है पार्थनोकॉपी के लिए एक जीन होता है पेट टू पेट टू जीन होता है इसके अंदर जो पार्थनो डेवलप करता है ठीक है अच्छा बाकी याद रखना कि टमाटर जो होता है ये ये इसका जो ओरिजिन प्लस होता है वो अमेरिका माना जाता है क्या माना जाता है अमेरिका माना जाता है ठीक है और इसके अलावा टमाटर से क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी वरायटियों से क्वेश्चन बन जाते हैं तो वरायटियों में याद रखना कि टमाटर की एक वरायटी होती है लाइको पड़ती ठीक है जो पेम्पानी फोलियम होता है वो अपने यहाँ नहीं बल्कि जो अदर कंट्रीज है वहाँ पर अच्छे से ग्रो किया जाता है ठीक इसके अलावा याद रखना कि जो टमाटर है इसके ग्रोइंग स्टेट जो होते हैं ठीक है उनमें आंध्र प्रदेश आता है ठीक है अगर बात करें आंध्र प्रदेश कर्नाटका एम पी में कर्नाटक कर अच्छे से होता है सबसे प्रोडक्टिविटी क्या होती है टमाटर की तो कर्नाटका में होती है याद रखना ठीक साथ ही साथ टमाटर के सीड के अंदर ऑयल कितना होता है टमाटर के सीड के अंदर आए ट्वेंटी फोर परसेंट के आंस होता है कितना होता है ट्वेंटी फोर परसेंट के आसपास ठीक है बाकी टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन से होता है लाइकोपिन के लिए टेमप्रचर ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस सबसे अच्छा माना जाता है ठीक है अच्छा जो रेड कलर लाइकोपिन से होता है तो टेंजीरिन कलर किससे होता है तो प्रो लाइकोपिन से होता है और येलो कलर किससे होता है कैरोटोनाइट से होता है ठीक है थीके? यह सब पॉइंट है इनको बहुत स्पीड में बोलना याद रखना अच्छा लाइकोपिन बनना बंद कब हो जाता है तो ट्वेंटी नाइन डिग्री सेल्सियस के आसपास है टेम्परेचर जाता है तो बनना बंद हो जाता है ठीक है ये एक ऐसी हाईली एक तरीके से सेल्फ पॉलिटेड क्रॉप है ठीक है अच्छा टमेटो जो होता है इसके अंदर सिट्रिक एफिट पाया जाता है मेनली ठीक है अच्छा साथ ही साथ याद रखना कि लगभग जो टमाटर है ठीक है जब इसके ग्रीन हाउस में उगाते हैं तो ग्रीन हाउस में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है वो चार सौ फॉरी चार हज़ार पी पी एम के आसपास होना चाहिए ठीक है ये बहुत बेसिक पॉइंट है इसको याद रखना अच्छा और देखो सीड रेट से क्वेश्चन बनते हैं टमाटर की सीड रेट कितनी होती है 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर होती है ठीक है लेकिन अगर हाइब्रिड टमाटर उगा रहे हैं तो उसकी सीड रेट कितनी होती है हाइब्रिड की होती है 100 से 150 ग्राम कितनी होती है 100 से 150 ग्राम होती है ठीक है ये बात ध्यान रखना फादर आर टमाटो कौन है सी एम रिक है ठीक है फादर ऑफ टमाटो की बात करेंगे तो सी एम रिक को और क्या बोलते हैं तो इसे इंडिया में है ना इंडिया में क्या नाम था गौतम कल्लो था ऐसे बोल देते हैं ठीक है देखो फादर ऑफ़ टोमेटो ब्रीडिंग कौन है सी एम है ठीक है और फादर ऑफ टोमेटो अगर पूछे तो गौतम कल्लो है ठीक कौन है गौतम कल्लो अच्छा याद रखना अगर एक बुक है टोमेटो उस वो टमेटो बुक किसने लिखी वो वो भी डी जी सॉरी गौतम कल्लू ने लिखी ठीक कब लिखी 1986 में लिखी ठीक है अच्छा वरायटीज़ में कुछ वरायटी पूछा रेड प्लम है पूसा रूबी है पूसा रू रोहिणी है पूसा शीतल है सदाबहार है सब टमाटर की वरायटी है कभी एक पूछा जाता है कि कौन सी वरायटी टमाटर की ऐसी है जो आपके जो किचन गार्डन होता है वहाँ लगाने की अच्छी होती है तो अंगूर लता होती है ठीक है अंगूर लता काफ़ी अच्छी फेमस वैरायटी है ठीक कौन सी वैरायटी है लो टेम्परेचर में अच्छी फराब कर जाती है शीतल कर जाती है हाई टेम्परेचर में कौन सी कर कौन सी कर जाती है पुसा एच कर जाती है दोनों टेम्परेचर में उससे सदा बाहर कर जाती है ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है याद रखना ठीक है चलो अब लेट ब्लाइट किससे होता है फाटो फारा इनफर्स्टेस्ट से होता है अर्ली ब्लाइट अल्टर सोलाना ऐसे होता है ठीक है सब अच्छे से क्वेश्चन है फ्रूट क्रैकिंग बुरान की कमी से हो जाती है ब्लॉची राइपेनिंग पोटेशियम की कमी से हो जाती है ब्लॉजम इंड्राट कैल्शियम की कमी से हो जाता है ठीक है पफीनेस या पॉकेट किससे होता है लो या हाई टेम्परेचर से हो जाता है सन स्केल्ड एक्सेसिव एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के जो होगा जो सन स्केल्ड हो जाएगा कैटफेफ जो होता है ये भी एक तरीके से हल्का सा जो टेम्परेचर में फ्लक्चुएसन होता है तभी हो जाता है ठीक ये सब याद रखना अच्छा मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ टोमेटो कौन सा है टोमेटो लीफ कर्ल वायरस है बहुत Uh, सीरियस माना जाता है टमेटो का ठीक है चलो ये पॉइंट टॉमेटो के याद आगे देखो, अभी लास्ट में आपको एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे रिवीजन के रूप में दस मिनट में, में पूरा रिवीजन करवाएंगे फ्रूट सांस का भी करवाएंगे भैरव सम्राट ब्लैक ब्यूटी अर्सब आजाद क्रांति तो फोमोसिस ब्लाइट और बैक्टीरिया बिल्ड की रेसिस वरायटी कौन सी होती है बैगन की ठीक तो वो वरायटी होती है आपकी बी यानी कि पूसा सम्राट होती है बात बैगन की है तो बैगन का नियम क्या क्या होता है सोलेना मेलोजना होता है बैगन की फैमिली क्या होती है सोलेन ए होती है बैगन में क्रोमोसोन कितने होते हैं चौबीस होते हैं और बैगन का उत्पत्ति स्थान क्या होता है इंडिया होता है ठीक है इसे पुअर मैं कप्स बोल देते हैं ठीक या कस्प बोल देते हैं याद रखना व्यंजन को एग प्लांट बोल देते हैं ओवरगिन भी बोल देते हैं ठीक है एक डे न्यूट्रल प्लांट होता है ठीक डे न्यूट्रल की ट्रिक बताई थी कि टमाटर बैगन चिल्ले रे थे धीरे से भिंडी से एक बात कहते क्या कहते कि कुकर मंगवाओ चढ़ाओ और अच्छे से बैठ के बिटिया खाओ नहीं कुछ भी मैं एक पीछे है तो टमाटर बैगन चिली ठीक है कुकर में टेसी वाले है ना और यार, यार, ये और आपके फ्रेंच बीन सब कहते हैं डे न्यूट्रल है ठीक देख लेना ट्रिक अच्छा बात करेंगे बैगन जो सबसे अधिक उगाता है वेस्ट बंगाल उगाता है उड़ीसा उगाता है ठीक है इसके बाद अगर देखेंगे वर्ल्ड में चाइना इंडिया उगाता है ठीक है टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है बेरी होता है बैगन का भी ठीक है बैगन में जो है एक कंडीशन पाई जाती है बड़ी पूछी जाती है कौन सी होती है कंडीशन कौन सी है हैक्ट्रोस्टाइल होती है ठीक है सीड रेट याद रखना बेगन की 300-400 ग्राम पर हेक्टर लगता है हाइब्रिड 150 से 200 ग्राम लगता है ठीक है 200 सौ ग्राम बी पूछाता है याद है इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो आगे देखो व्हाट इज द हाइब्रिड सीड रेट ऑफ कैप्सिकम एनम कैप्सिकम एनम जो हाइब्रिड होता है उसकी सीड रेट कितनी होती है तो सर डी ऑप्शन सही है ठीक कौन सी ढाई ग्राम होती है पर हेक्टेयर ठीक है ढाई ग्राम होती है ये कैप्सिकम एनम की बता रहे हैं अच्छा अब बात है किसकी सर चिली की अब चिली की बात है तो बात देखो यहाँ पर चिली की कर लेते हैं अच्छे से कि सर चिली जो होता है उसका सेंटिफिकम क्या होता है कैप्सिकम एलम होता है ठीक है क्रोमोसोम कितने होते हैं चौबीस होते हैं और जिन क्या होता है ट्रॉपिकल अमेरिका होता है क्या होता है ट्रॉपिकल अमेरिका ठीक कैप्सिकम स्पीसीज जो होती है इसे हम लोग पेपर्स बोल देते हैं ठीक है ठेके? अच्छा याद रखना कि जो जो आपका कैप्सिकम है ठीक है ये इसके अंदर जो फाइबर परसेंट देखो जो इंपॉर्टेंट है वही बोल रहे हैं जो फाइबर होता है लगभग सिक्स पॉइंट एट ग्राम के आसपास होता है कैपसेंथीन जो रेड कलर होता है कैप्सेंथिन कारण होता है जो इसके अंदर पंजेंसी होती है कैप्सेंथिन कारण होती है कैप्सेंथिन का फार्मूला क्या होता है सी चालीस एच छप्पन ओ थ्री सी फोर्टी एच फिफ्टी सिक्स ओ थ्री ठीक है अच्छा आगे देखो मेजर चिली ग्रोइंग पीरियड साउथ इंडिया में देखो जून जून से अक्टूबर है ठीक है हाइएस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है आंध्र प्रदेश में होती है ठीक है अच्छा पंजेंसी को नापते कैसे इन्हें पूछेगा इसको भी हीट यूनिट से नापते हैं ठीक है चलो और कोई गया अच्छा फार्मूला अच्छी चीज़ चिली में बाकी ड्राई वैरायटी पे आ जाओ कि जो आपका ये ढाई दा, सौ ग्राम होती है ये किसकी होती है कैप्सिकमेनम की होती है ठीक है ठीके? जो फ्रूटेंसेस होती है उसमें कितनी होती है लगभग डेढ़ किलो के, के आसपास होती है ठीक है किसकी होती है वन पॉइंट फाइव के जी के आस अच्छा एक मिनट ठीक है डेढ़ किलो जिसमें हम लोग चिली बोल देते हैं ना हाँ ठीक है गिरती होती है वन पॉइंट फाइव के जी बोलती है ठीक अच्छा अब देखो यहाँ पर एक बात याद रखना कि जब आइफोलिफिन डिस्टेंस याद रखना कि लगभग चार सौ मीटर की आइफोलिफिन डिस्टेंस रखते हैं ठीक है सीड प्रोडक्शन के लिए फ़ीमेल मेल रेशियो टू रेशियो वन होता है याद रखना ठीक वेरायटी में पूसा ज्वाला बड़ी फेमस वेरायटी है पूसा सदाबहार इसकी भी वेरायटी है अरका सफला अरका लोहित ठीक अरका हरिता अरका मेघना अरका श्वेता ये सभी इसकी है काफ़ी फेमस है ठीक है मुझे डिजीज के रिसिस्टेंट बैटरी कौन सी है पूरी रेड होती है बहुत इंपॉर्टेंट है है ना ये बैटरी हो गई कैप्सिकम की अगर बात करेंगे तो इसका भी सेम सेम चीज़ें हैं ठीक इसको हम लोग शिमला मिर्च बोल देते हैं ठीक है कैप्सिकम क्या कहते हैं शिमला मिर्च बोल देते हैं चलो आगे देखो आप कैप्सिकम एम बोलते हैं मेनली से ठीक है कैप्सिकम फ्रोटेंसीज है एन एम है है ना इंपॉर्टेंट है फ्रोटेंसीज में कितना होता है एक सौ डेढ़ किलो होती है ठीक है एन एम में ऐसी रेड कितनी होती है ढाई सौ ग्राम होती है ठीक है चलो आगे देखो द करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ फ्लेवर ऑफ कोल क्रॉप्स इज ड्यू टू प्रजेंस ऑफ ठीक है कोल क्रॉप्स में जो फ्लेवर देखा जाता है वो किससे देखा जाता है ठीक है तो डाई मिथाइल ट्राई सल्फाइड से देखा जाता है डाई मिथाइल ट्राई सल्फाइट बात कोल क्रॉप्स की है तो तीन कोल क्रॉप्स आपने पढ़ी होंगी कॉलीफ्लावर कैबेज और आपके नॉल खोल ठीक है जिसे हम लोग गांठ गोभी बोल देते हैं कॉलीफ्लावर की बात करते हैं तो फाइटी भी क्या होता है ब्रिस्ट का ऑलरे वैरायटी अगर हम लोग कॉलीफ्लावर देखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉलीफ्लावर का हो जाएगा ब्रेस का ओले रेशिया बैटरी बोटराइटिस क्या यार बोटराइटिस हो जाता है ठीक है कैबेज का क्या हो जाता है कोलोरापा हो जाता है और नॉल खोल का क्या होता है गोंगी हो जाता है ठीक है अच्छा ये हम लोग केपी डाटा बोल देते हैं ठीक है अब देखो मेरी बात सुनो यहाँ पर कुछ पॉइंट याद रखना कॉलीफ्लावर से कि सर कॉलीफ्लावर जो होता है इनसे जो पॉइंट बनते हैं या तो इनकी सीडेट से पॉइंट बनेंगे ठीक है या तो सीडेट से बनेंगे या तो इनकी वराइटी से पॉइंट बनेंगे ठीक

और मिड हिटेड साढ़े तीन सौ से चार सौ ग्राम होती है ठीक है बस ये प्रोडक्ट रखना बाकी फांडी फीन में याद होना चाहिए से ब्रेस्का ऑलरेसा बोटराइटिस ब्रेस्का से केपी टाटा किसका होता है कैबेज का होता है और कोलोरापा किसका होता है या गोंगे लोट्स किसका होता है खोल का होता है ठीक है केपी टाटा और कोलोरापा में कन्फर्म कोलरापा किसका होता है ये आपका कॉलीफ्लावर का होता है और केपी टाटा किसका होता है ये कैबेज का होता है ठीक है चलो क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं वैरायटी से क्वेश्चन कभी कभी बन सकते हैं तो याद रखना जो इसकी वैरायटी होती है कॉलीफ्लावर की वो अर्का कानती होती है ठीक है पूसा मेघना होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है इसके अलावा दीपाली वो भी फेमस वैरायटी है ठीक है पूसा हिमज्योति पूसा सुब्रा ठीक है पूसा सुनि पंथ सुब्रा पन्थ सुब्रा और पूसा सुब्रा दोनों भी किसकी हैं दोनों कॉलीफ्लावर की हैं ठीक है थीके? अच्छा अगर बात करेंगे केपी टाटा की यानी कि कैबेज की तो केपी टाटा में याद रखना कि दो सबका साइंटिफिक नेम फैमिली सबको सेम है ठीक है लेकिन जो कैपिटा होती है इसका जो डिबल पर्सन होता है वो क्या होता है हेड होता है ठीक है और कॉलिरापा का क्या होता है यानी जो आपकी बोटराइटिस होती है यानी कि कॉलीफावर होती है उसका क्या होता है उसका कर्ड होता है ठीक है अच्छा बात करेंगे केबज की तो केवज में एक बात याद रखना कि केवज की जो पत्तियाँ होती हैं इनमें सर वो हल्का जो तो फ्लेवर पाया जाता है वो सीग्रीन के कारण होता है किसी हो किसान सीनीग्रीन के कारण ठीक है केवेज की वैरायटी की हमने ट्रिक डाली है नीचे देना डिस्क्रिप्शन में है ठीक है वैरायटी की ट्रिक देख लेना अच्छे से उसमें बताया कि सुधा है ठीक है और वो उसका शादी हो गई थी डॉक्टर उत्तम थे टिक प्राइड ऑफ इंडिया तो पूरा इंडिया प्राइड करता था शादी कर दी थी किससे कोपर मार्केट में रहने वाले है कोपन हैगन मार्केट था श्री गणेश गोल थी हैं

जितने भी आपके ये कॉली वो थे जितने भी आपकी कोल क्राफ्ट थी इनके डिसऑर्डर देख लेना बटनिंग है बटनिंग किससे होती है बोटराइटिस ये बटनिंग किससे हो जाती है विफ्टिल किससे हो जाता है तो ये यह चीज यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ठीक है हाँ बोल्टिंग ऑनियन से जो देखा जाता है वो देखा जाता है हाई टेम्परेचर या लो टेम्परीचर तो वैसे तो यहाँ पर लो टेम्परेचर है सही ज़्यादा सही लो टेम्परेचर है हाई और लो दोनों से होती है बोल्टिंग ठीक लेकिन मेनली जो देखी जाती है वो लो टेम्परेचर पर देखी जाती है ठीक है चलो अब बात देखो ऑनियन की है ठीक तो ऑनियन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए कि ऑनियन मिल, मिल क्या है तो ऑनियन मिल्ली क्या है मोनोकार्ड है क्या है सर मोनोकार्ड है चल रहा है ना ठीक देख देख लेंगे हाँ क्या था चल रहा था देखो अब ऑनियन के बारे में एक दो पॉइंट याद रखना जैसे कि एलियम से पास आंटेविनियम होता है एलियसी फैमिली होती है ठीक है और इसके अंदर जो टाइप अरे आ दीजिए इसका जो एडिबल पार्ट होता है बल्ब होता है ठीक है क्रोमोसोम कितने होते हैं सोलह होते हैं ठीक है ऐसे ही सर इसमें गार्लिक आ जाता है ठीक है तो गार्लिक के आ, अंदर कॉन्सोम कितने होते हैं सोलह होते हैं क्लोब्स यूज करते हैं एलियम सटावल सर्टिफिक नेम होता है ठीक है इसे मेन मेन पॉइंट इनको याद रखना बाकी कुछ क्रूट सेलॉड लीक टॉप ऑनियन मल्टीपल ऑनियन ये सभी एलिएसी फैमिली में ही आते हैं ठीक है ठीके? बस आगे देखो एलिसिन इज एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस ऑफ गार्लिक देन एलिन इज है ठीक है एलिन कैसा है तो ये कैसा है एलिन जो है वाटर सोलबल एमिनो एसिड होता है कैसा था वाटर सोलबल अमिनो एसिड होता है ठीक है बाकी हाँ गार्लिक से 500-600 ग्राम 600 सौ किलोग्राम सेट पड़ती है ये भी याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है प्रोपाइल डाइसल्फाइड से महक आती है ये भी आप जानते ही हो ठीक है आगे देखो फॉर्किंग टर्म रिलेटेड टू डॉकस करोटा वट इज द रीजन बिहाइंड फॉर्किंग देखो ये पॉइंट अच्छा है फॉर्की का मतलब क्या होता है फॉर्की का मतलब होता है कि जो हार्ड पेन होती उसको है उसको हम लोग तोड़ना क्या कहते हैं फॉर्की कहलाता है ठीक है ई e ऑप्शन सही है कि हार्ड पेन को सॉर्क तोड़ते हैं अप्लीकेशन ऑफ अनडिकम्पोज फार मेड मन्योर ठीक है ओवर वाटरिंग एंड इन्फेस्टेशन ऑफ मेलोडोगना स्पेस जो निमिटोड्स होते हैं इनके कारण तो इन सभी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ठीक है इन सभी के कारण क्या करते हैं फॉर्किंग कर देते हैं चलो येलो वाइन ऑफ कुकरबीट्स इज ड्यू टू अब देखो कुकरबीट्स में क्या पढ़ना है कुकरबीट्स में सभी की फैमिली मतलब सभी के साइंटिफिक नेम प्लस इनमें यह पढ़ना है कि भैया इनकी सीड रेट वो कुकर में सबको पढ़नी है ठीक है तो येलो वाइन ऑफ कुकरबीट्स ड्यू टू किससे हो जाता है तो आपका येलो वाइन जो होता है वो होता है आपका सरेटिया मै आपके मार्सो मार्सेंसिस ठीक है, है मार्सेंसी होता है ठीक है फोबिकल्स जानते हो रेड किन बिटल होता है ठीक है अच्छा बीच आप फॉलोइंग इज गानोशियज वरायटी ऑफ कुकमी स्टाइबस। कुकमी सटाइबस की गैनोशियस वरायटी कौन सी होती है ठीक है पोनिस्टा है बालसम खीरा है पूछा संयोग है जैपनीज ग्रीन में ठीक है ठीके? ठीक टारगेट लिया था कि घंटे में खत्म कर देंगे हो नहीं पाया कोई बात नहीं ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर लॉन्ग लॉन्ग्रीन कैसा हो जाएगा जैपनीज लॉन्ग्रीन हो जाएगा ठीक है अब इनके बारे में जो चीज बताई उसके ऊपर पढ़ लेना भैया इनकी सीड्रेट पढ़ के जाना बोल रहे हैं बार बार ठीक बच्चे इज इस वरायटी ऑफ काउपी काउपी की डॉलर वरायटी कौन सी होती है पूसा बरसाती पूसा दो फसली पूसा कोमल पूसा फाल्गुनी या कौन सी गोरी ठीक है तो डी एफ सही है कौन सी है पूसा फाल्गुनी जो है ये वरायटी कैसी है काउपी की एक डोर वरायटी होती है ठीक है जुवेनर ग्रीन इज ए म्यूटेंट वरायटी ऑफ स्पाइनज देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज दॉलीपोलाइडी कौन सी इसमें पॉलीब्लाडी वरायटी होती है जो किसकी की तो ऑप्शन है पुसा ज्योति पुसा हरी पुसा भारती पंजाब ग्रीन बोथ सी एंड डी ठीक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी यानी कि पुसा भारती ये कैसी है ये आपकी पॉलीब्लिडी वरायटी है ठीक है स्पाइनज की याद रखना अब है थोड़ी कल्चर में कुछ पॉइंट पल्सिंग ट्रीटमेंट डन फॉर द दट रीजन पल्सिंग ट्रीटमेंट क्यों करते हैं ठीक है इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ फ्लावर सही बात है ब्यूटी ऑफ फ्लावर प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर फ्रेग्रेंस क्या है तो ए पॉइंट सही है इक्रीज ऑफ सेल्फ लाइफ ऑफ फ्लावर ज़्यादातर आप देखते हो रोज वगैरह में की जाती है ठीक है रोज़ के बारे में कुछ वैरायटी आपको याद भी करवा देंगे ग्लूकन दिज प्रपेयर देखो ये इसलिए खत्म करें ताकि अभी लास्ट मिनट्स में आपको बेहतरीन रिवीजन करवा सकें तो ग्लूकोन जो है मेनली प्रपेयर किया जाता है क्या बनाकर पीटल सीपल पीटल लीप्स पीटल शुगर सीपल एंड शुगर बताओ देखो भैया फटाफट से देखते रहो ताकि चीज़ें आपकी कवर हो जाएँ ठीक अभी आपको लास्ट मिनट रिविजन स्पीड में करवाएंगे एकदम एक की स्पीड में तो उसको अच्छे से सुन लेना हाँ वो जरूरी है तो क्या है इसकी ऑप्शन सही है ठीक है यानी पीटर्स और शुगर का रेसियो वन रेसियो बन रखते हैं ठीक थॉर्नलेस वरायटी अब रोज वरायटी थॉर्नलेस वरायटी कौन सी है है ठीक है बिल्कुल सही बात है लेकिन तो इसमें क्या है फचित्रा भी है और पुषा मोहित दोनों थॉर्नलेस वरायटी होती है ठीक है देखो वरायटी से कभी कभार क्वेश्चन बताते है तुषार कैसी है ये वाइट रोज की वरायटी है ठीक है अब क्रिमसन ग्लोरी ठीक है पुषा मोहित अब कभी कभी पूछता एग्जीबिशन वैरायटी कौन सी होती है तो एग्जीबिशन वैरायटी में हमने आपको एक ट्रिक डाली रोज की वरायटी देखो हम इसलिए यहां नहीं बता रहे क्योंकि हम बता चुके हैं रोज की वैरायटी की ट्रिक डाली उसको देख लेना ठीक सभी वैरायटी रोज की वरायटी क्लियर हो जाएंगी एकदम क्लियर हो जाएंगी ठीक है कौन सी एग्जीबिशन वाली है कौन सी किसकी है अच्छा आगे देखो रेड गोल्ड एंड बसंती इज द वैरायटी ऑफ बिच फ्लावर रेड गोल्ड और बसंती जो होती हैं ये रेड ग्लोड और बसंती वैरायटी किसकी है डेंडोरंथिमा ग्रैंडी फ्लोरिया ठीक किसकी है डेंडोरेंथमा ग्रैंडी फ्लोरिया की होती हैं ठीक है अच्छा इसके अलावा वैरायटी कभी कभी ग्लेडियोल की वैरायटीज है क्वेश्चन आ जाते हैं वो कौन से होते हैं जैसे फ्री प्रि, दर्शनी किसकी वैरायटी है ग्लेडियोलस की पूछा गया क्वेश्चन है ठीक बाकी हमने ग्लेडियोलस की वैरायटी की ट्रिक भी डाली है उसको भी देख लेना भाई बता रहे हैं बार बार कि जरूर देख लेना ठीक ताकि याद हो जाए

ट्रेक्टर्स मेरीगोल्ड यानी कि इरेक्टा जो होता है इसका ओरिजिन प्लेस मैक्सिको मान लेते हैं ठीक है ठेके? फ्रेंच मेरीगोल्ड को मैक्सिको या साउथ अमेरिका मान लेते हैं है ना अच्छा बाकी याद रखना कि जो इसेंशियल ऑयल होता है फ्रेश मेच्योर फ्लावर में वन पॉइंट टू फाइव परसेंट होता है तो ये मेन मेन पॉइंट है बच्चे आपकी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट जेम के बारे में इट इज़ ऑपेक् होता है टेम्परेट होता है हाँ तो इसके में याद रखना कि जो जेम होता है ये फ्रूट इनकरेक्ट सब कुछ सही है फ्रूट एफिट सॉलिबल जो होता है वन परसेंट आसपास में होता, होता है ज़्यादा होता है ठीक है तो ओपेक होता ही सही आप जानते ही हो इंड पॉइंट टू वन नाइन से टू टू वन फेरानाइट होता है ठीक है टी से सिक्सटी एट पॉइंट फाइव होता है जेलिम कितना होता है सिक्सटी फाइव परसेंट होता है ठीक है कितना सिक्सटी फाइव परसेंट जेम में सिक्सटी एट के आसपास होता है ठीक बात है जेम जेलिम फर्क क्या है जेम जेली जो होती है वो कैसी होती है सेमी परमेबल होती है जेम कैसा होता है सॉलिड होता है बिल्कुल आसपास देखा नहीं जा सकता ठीक है जेली जो होती है सबसे अच्छी किसकी बनती है गोवा की बनती है जेम किसका बनता है एप्पल का बनता है ठीक है थीके? याद रखना स्टोरेज ऑफ एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड ठीक है तो इसके लिए टेम्परेचर है 196 चाहिए ठीक है ए ऑप्शन सही है ठीक ये पॉइंट ऐसा है जो आपको एकदम तो याद रखना है ठीक अब आप सुनिए रिवीजन एकदम दिल थाम के बैठेगा बावन मिनट यानी कि रिवीजन आपका पांच मिनट के या दस मिनट के अंदर हो जाएगा देखो जो पढ़ा चुके रिवाइज कराएंगे जो नए पॉइंट थे नए पॉइंट के जैसे लीची है लीची से क्या पूछेगा सीडेट क्या होता तो है लीची जो होती है इसका टाइप ऑफ टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है तो एरिल होता है ठीक है सॉरी बेरी होता है इडबल क्या होता है एरिल होता है इसमें जो हम लोग प्रोफोकेशन कैसे किस किससे करते हैं, किस, हैं? एयर लेयरिंग से करते हैं इंडिया में क्या बोलते एयर लेयरिंग को इंडिया में क्या बोलते हैं गुटी बोल देते हैं चाइना में मार्कोटेज बोल देते हैं ठीक वैरायटी कौन कौन सी लीची की होती है शाही होती है लीची की वैरायटी है ठीक वेवेस्टर लीची की वैरायटी है देहरादून लीची की वैरायटी है ठीक है इसके अलावा कस्बा लीची की वैरायटी है ठीक है बॉम्बे कलकत्तिया ठीक चाइना इसमें लीची की वैरायटी है ठीक है आगे बढ़ो बाकी लीची से क्वेश्चन क्या बनेंगे बाकी लीची से क्वेश्चन एडिबल पर्सन से एरल होता ही है क्लाइमेटिक होता है, नॉन क्लाइमेटिक होता है, नॉन क्लाइमेटिक होता है, ठीक है मेनली किसमें आता है सब ट्रॉपिकल में आता है ठीक है ये सभी पॉइंट अच्छे अच्छे हैं, चलो आगे देखो फिर क्वेश्चन बनता है कि सर जो प्रोटेंडरी कंडीशन होती है किसी में पाई जाती है तो प्रोटेंडरी कंडीशन वालेट में पाई जाती है सब सपोटा पाई जाती है कोकोनट में पाई जाती है ठीक है अनोना मूरी काटम पाई जाती है कभी कभी क्वेश्चन है कि लॉन्ग डे प्लांट कौन सा है तो पैसल फ्रूट और एप्पल दोनों लॉन्ग डे प्लांट होते हैं कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि क्लाइमेट्रिक तो और नॉन क्लाइमेट्रिक जिनमें कि जो पक जाएंगे बाद में क्लाइमेट्रिक नहीं पकेंगे नॉन क्लाइमेट्रिक ठीक है देख लेना मैंगो पपाया बनाना कैसा है क्लाइमेट्रिक है ठीक है इसके अलावा ग्रेप पोमग्रनट सिट्रस कैसे हैं नॉन क्लाइमेटिक ठीक है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट है इनकी ट्रिक डाल चुके हैं ट्रॉपिकल में कौन कौन से आते हैं मैंगो आता है पपाया आता है बनाना आता है ठीक है इसके अलावा गुवा आता है ठीक ये सभी आपके जैक फ्रूट आता है ये भी कैसे होते हैं ट्रॉपिकल होते हैं टेम्परेट में एप्पल पियर पीच प्लम स्ट्रॉबेरी वॉलट आलमंड खाओ लगा के चेरी तो एप्पल है पियर है पीच है प्लम है स्ट्रॉबेरी वॉलट आलमंड चेरी है सभी कैसे सब ट्रॉपिकल है सॉरी uh, क्या ही बोल बोलते हैं टेम्परेट है ठीक है टेम्परेट है ठीक है सब ट्रॉपिकल की बात करेंगे तो सब ट्रॉपिकल में आप क्या आते हैं लीची आता है ठीक है अनार आता है इसके अलावा बेल आता है ठीक सिट्रस आता है ठीक इसके अलावा कौन से आते हैं ग्रेप आता है है ना डेट पाल्म आता है ठीक आंवला आता है ये सभी कैसे आते हैं सब ट्रॉपिकल में आते हैं ठीक है इन्हीं में एक सब क्लासिफिकेशन एरिड का एरिड और सेमी एरिड का उसमें बेर वगैरह जो है एडी एरिड और में कंसिडर किए जाएंगे ठीक है चलो इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन बनते हैं इसके अलावा क्वेश्चन बनते हैं आपके सिट्रिक एफिड से होता है मेलिक एफिड किसमें होता है ठीक तो है तो सिट्रिक एफिड में याद रखना कि भैया जो सिट्रिक एसिड है वो जैसे बेरी है बेरी जितनी होती है सिट्रिक एफिड होता है उनके अंदर होता है गोवा के अंदर सिट्रिक एफिड होता है ठीक है और अनानास के अंदर सिट्रिक एफिड होता है ठीक है और फिट्र पीयर पियर में क्या होता है सिट्रिक फीट होता है ठीक है अच्छा मेले की फीड सेब में होता है मेले की फीड होता है ठीक है याद रखना इंपॉर्टेंट है अच्छा स्ट्रॉबेरी में इलायची के फीड होता है ठीक है इलायची के फीड होता है स्ट्रॉबेरी कैसा है टम्परेट फ्रूट है ठीक है यह भी याद रखना अच्छा और कौन से क्वेश्चन बनते हैं फ्रूट से और क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि जो आपके फ्रूट्स होते हैं ठीक है उन फ्रूट्स में कम याद रखना कि कभी कभार क्वेश्चन बनता है कि सर फ्रूट में कौन जो नट का टाइप होता है वो किस किस से पाया जाता है तो लीची में नट का टाइप होता है ठीक है कभी कभार पूछा जाता है कि इन सब सभी के टाइप ऑफ फ्रूट याद कर लो एक बार टाइप ऑफ फ्रूट देख के जाना ठीक है चलो और क्वेश्चन क्या बनते हैं और क्वेश्चन सबके सिम्टम देख के जाना ठीक जो डिजीज लगते हैं उन डिजीज के सिम्टम्स को एक बार देख के जाना ठीक है अच्छे से चलो इसके बाद देखो अगर वेजिटेबल साइंस की बात करें तो वेजिटेबल साइंस में मेनली जो क्वेश्चन बनेंगे वो सीड रेट से बनेंगे ठीक है एक दो वराइटियों से बनेंगे और ज़्यादातर इसके फैमिली से बन जाते हैं तो फैमिली सीडेट को अच्छे में देख के जाना ठीक है इंपॉर्टेंट वैरायटी को थोड़ा सा देख लेना है ना फ्लोरीकल्चर बात करें तो फ्लोरीकल्चर में जो रिविजन है वो आपका वेराइटीज से होता है वेरायटीज से क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है और बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिक मतलब गार्डनिंग से जैसे कि हेज क्या होता है तो एक प्रोटेक्टिव परपज़ के लिए हेज यूज होता है ठीक जो क्या है सरब है आसपास लगा देते हैं प्रोटेक्टिव पर्पज़ के लिए यूज होते हैं एज क्या होता है तो बॉर्डर डिसाइड करने के लिए एज एज को लगाते हैं बहुत छोटे से होते हैं लो लो पेरनियल होते हैं हाई पेरिनियल्स हेज होंगे लो पेरियल्स एज होंगे ठीक है अच्छा टेरियम क्या होता है ठीक कंजर्वेटरी क्या होता है तो जो बहुत पुराने पुराने प्लांट होते हैं उनको एक जगह कंजर्व करके रखते हैं कंजर्वेटरी कराता है टेरियम क्या होता है तो टेरियम मतलब होता है कि बोतल के अंदर हम लोग जब उनको बहुत प्यार से बोतल कांच की बोतल के अंदर जब उनको गार्डन छोटा सा तैयार कर लेते हैं मतलब एक अच्छे तरीके से तो उसे टेरियम बोल देते हैं ठीक है ऐसे मोरी मोरीवाना क्या होता है ठीक इन, इनके बारे में हमने आप टेलीग्राम पर डाला था टेलीग्राम पर कुछ भी डाली थी ठीक जितने कन्फ्यूजन टॉपिक उन सबके हम वीडियो ला चुके हैं उन सबको एक बार देख लेना इसीलिए उनको हमने यहाँ नहीं करवाया है ठीक आपको बता दिया कि उनको देख लेना ठीक ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक नॉलेज मिल सके जैसे क्राजेंथिमम है अब क्राजेंथिमम से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इसे ग्लोरी ऑफ़ ईस्ट बोलते हैं क्वीन ऑफ फ्लावर थोड़ी बोलते हैं क्वीन ऑफ फ्लावर रोज है ठीक क्वीन ऑफ क्लीन ग्लोरी ऑफ ईस्ट या क्वीन ऑफ ईस्ट कौन है ये क्राजेंथम है ये कहां का नेशनल फ्लावर है जापान का नेशनल फ्लावर है ठीक है फैमिली क्या है? होती है स्टेरेसी होती है क्रोमोसोम थर्टी सिक्स होते हैं और जिस प्लस यूरोप होता है ऐसे पॉइंट्स को याद रखना ठीक है ताकि क्वेश्चन यहां से बाहर मत जाए मेरी गोल्ड है मेरी गोल्ड के बेसिक बेसिक पॉइंट याद रखना ठीक है जसमीन मान लो कभी पूछ ले जसमीन की फैमिली क्या होती है ओलियसी होती है ठीक क्रोमोसोम ट्वेंटी होते हैं है ना ओरिजिन प्लस क्या होता है इंडिया होता है ठीक ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं ठीक वैरायटी से क्वेश्चन बनते हैं तो रोज की वैरायटी में बनेंगे तो किरण किसकी वैरायटी है जी एस रंधावा किसकी वैरायटी है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कभी कभी बनते हैं पूसा मोहित किसकी वैरायटी है ठीक है मृलालिनी किसकी वैरायटी है ठीक और ये सभी रोज़ की वैरायटी होती है ठीक है जो फेमस क्वेश्चन बनेंगे रक्तगंधा पूसा सोनिया ठीक यहाँ से बन जाते हैं ये भी रोज़ की वैरायटी है इसके अलावा जो एग्जीबिशन वैरायटी रोज कौन कौन सी उनको एक बार देख लेना ठीक है फ्लोरी गंडा की वैरायटी कौन सी है हाँ, ये भी देख लेना ठीक ट्यूबरोज की फैमिली क्या होती है तो ट्यूबरोज मतलब होता है रजनीगंधा फैमिली क्या होती है एस्परगी एसी होती है एसपर एस्ट्रिए नहीं होती है एसपरगी होती है ओरिजिन प्लस क्या होता है रजनीगंधा का या ट्यूबरोज का मैक्सिको होता है तो ये पॉइंट फ्लोरी कल्चर से बनते हैं ठीक है अच्छा अब जैसे रोज में क्रोमोसोम याद रखना फोर्टीन होते हैं ठीक रोज को और क्या बोलते हैं इसे परफ्यूम ऑफ गॉड बोलते हैं क्वीन ऑफ फ्लावर तो बोलते हैं परफ्यूम ऑफ गॉड भी बोलते हैं किंग ऑफ फ्लावर किसे बोलते हैं डेहलिया को बोलते हैं ठीक है ठीके? ये बहुत बेसिक पॉइंट है इसके अलावा एक एक दो पॉइंट और याद रखना जैसे कि जुगलेडियोलस होता है ठीक उसे स्वाड लिली बोल देते हैं कॉर्न फ्लैग बोल देते हैं कॉर्न फ्लैग या फॉड लिली बोल देते हैं ठीक है फैमिली क्या होती है ग्लेडियोलस की इडीए होती है किस स्पाइसेस की फैमिली इरडीए होती है तो आपका जो सेफरान होता है जिसे हम लोग केसर बोलते हैं उसकी फैमिली भी इरडीए होती है ये पॉइंट पूछा जा सकता है कामर्शियल प्रोपोर्गेशन किससे करते हैं ग्लेडियोलस में कॉरम से करते हैं कॉरम है। का साइज क्या होता है फोर से फाइव सेंटीमीटर होता है प्लांटिंग टाइम क्या होता है नवंबर होता है ठीक है ग्लेडियोलस का बजरंग किसकी वैरायटी है ग्लेडियोलस की है हाँ लीलियम की फैमिली क्या होती है लीलियस ही होती है ये पॉइंट ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं ठीक है अच्छा कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे डिसऑर्डर्स हैं तो डिसऑर्डर्स से क्वेश्चन बन सकते हैं तो डिसऑर्डर्स की हम टेलीग्राम पर एक फोटो सेंड करेंगे उसको अच्छे से पढ़ लेना ठीक प्लांटेशन को आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे एरेकानट है इसकी फैमिली क्या होती है एरिकेसी होती क्रोम थी थी है क्रोमोसोम थर्टी टू होते हैं ठीक है मोनोसियस पाल्म होता है एक तरीके से ठीक है और पूछा जाए कि जो एरकानट होता है इसे कोटा पाक काली पाक बनता है ठीक ये एरकॉन से ही बनते हैं है ना कोकोनट इसका जो साइंटिफिक नाम होता है क्या होता है कोकस न्यूजिफेरा होता है ठीक चाय को और क्या बोलते हैं क्वीना बेवरेज बोल देते हैं गोल्डन लीफ बोल देते हैं ठीक है आ? चाय की फैमिली क्या होती है थी एसी होती है क्रोमोसोम कितने होते हैं तीस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है सबसे पहले तो चाय की स्टडी को क्या बोलते हैं सीओलॉजी बोलते हैं टिशियोलॉजी बोल देते हैं सियोलॉजी ही मेनली बोलते हैं ठीक है थीके? इसे ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक चाय में जब ऑपरेशन मेनली क्या करते हैं हम लोग टर्न करते हैं ठीक है थीके? मतलब काटते हैं सी टी सी मतलब कट टर्न और सी टी सी कर्ल ठीक कट टर्न कर्ल सी टी सी पूछ लेता है ठीक पूछ लिया नबार्ड पूछ लिया था सी टी सी में रिलेटेड किससे चाय से रिलेटेड है ठीक है पूछ लेता है कि स्पाइसेस में पूछ लेता है कभी कभी कि जो हल्दी होती है उसका उन्स क्या होता है हल्दी का ट्रॉपिकल अफ्रीका के आसपास होता है ठीक है फेवेसी फैमिली होती है टेमरेंडस इंडिका नहीं नहीं हल्दी का नहीं सॉरी टेमरेंडस इंडिया किसका सॉरी इमली होता है टेमरेंडस इंडिका इमली होता है जल्दी जल्दी निकल गया टेमरेंडस इंडिका इमली होता है फेवेसी फैमिली होती है चौबीस क्रोमोसोम्स होता है प्रॉपिकलर भेगा ऑरिजिन प्लस होता है ठीक है ये क्वेश्चन बच सकते हैं नटमेक की फैमिली क्या होती है मार्ट मार्स्टियसी होती है ठीक है नटमेक की सिनेमा की फैमिली क्या होती है लॉरेसी होती है क्या होती है लॉरोसी होती है ठीक है

क्रोमसम कितना है फनी ग्रुप में चौबीस होते हैं मेथी बोलते हैं इसको फ्रॉस्ट और फ्रीजिंग वेदर रेसिस्टेंट क्रॉप है इसे अच्छे पॉइंट है ठीक है क्लोब क्लोब से क्वेश्चन बनते हैं फैमिली क्या होती है मार्टेसी होती है और ये मतलब इंडोनेशिया होता है क्लोब का सी जीम ऑटोमेटिक हम बोल देते हैं ये, ये भी पॉइंट याद रखना ये बेसिक पॉइंट्स हैं ठीक है पोस्ट हार्वेट टेक्नोलॉजी से जे एम डेली के बारे में एक बार पढ़ के जाना ठीक है इसके बारे में अब कुछ वीडियो हम ला चुके हैं ठीक है ना मिले तो आपको हमें हमें दे देना हमें कमेंट में या कहीं भी, भी आप मतलब डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है वहाँ पर भेज देना हमें ठीक है फिर हमें इस ये वीडियो नहीं मिल रहा भेज देंगे ठीक है जो बेसिक पॉइंट वाले हैं वो भी देख लेना एक बार ठीक एक बार यूट्यूब चैनल को विजिट करना आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी एक घंटे में डाटा को समराइज किया है हमने ठीक है बांसठ मिनट के अंदर तो याद रखना ये चीज़ों को अच्छे शेयर करना और अच्छे से आपको पूरा पेशेंस के बाद देखना ठीक है राधा राधे थैंक्स टू ऑल अच्छे मिलेगा अच्छे से अपना ख्याल रखेगा मेरी क्लास है तो मैं लेना राधे राधे थैंक्स टू ऑल बहुत अच्छा आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा